ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਲੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤਾ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਤਾ, ਬੋਆਏ ਦੇਖਾ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋਈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸੇ ਫਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। देखिए, पहली तो ये बात है कि ये केमिकल नहीं है, जो अभी तक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, और मैं अपने सरकार के हाईएस्ट जो ऑफिसर्स हैं इन चीज़ों को डील करते हैं, जो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं मिस्टर पन्नू, उनसे भी बात हुई है, और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाले भी यहाँ पर भी मौजूद हैं। ये एक शुगर मिल में ब्लास्ट होने के कारण वो जो मलेसेस स्टोर किए जाते हैं, सीरा जिसको बोलते हैं, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, तो वो मलेसेस पानी में मिक्स हो गए हैं, क्योंकि दरिया के किनारे पर थी वो जो मिल है, तो मलेसेस के आने से ये पानी का रंग बदला है, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन हुआ है, तो उसके कारण जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि जो BOD जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, वो BOD इंक्रीज होने के कारण जो अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन की फिश के लिए है, मछलियों के लिए है, वो कम हो जाती है उतने टाइम बीइंग के लिए, जितनी देर ये पानी क्लियर नहीं होता, तो उस कारण कुछ जो मछलियाँ उनकी मौत हुई। सर, पानी के फ्लो को बढ़ाने के लिए कहीं पर बात की गई है प्रशासन की ओर से? ऑलरेडी हो गया, सरकार ने पोंग डैम और रंजीत सागर डैम दोनों पर ही एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ करने के ऑर्डर कर दिए थे, और एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ हो गया और जल्दी से ये फ्लश हो जाएगा, तो सभी कुछ ठीक। सर, पशुओं को भी मरने की खबर है कि बता रहे हैं कि 25 से 30 जो गायें भी मरी हैं वो। मेरे पास पशुओं के मरने की कुछ नहीं है, लेकिन फिश की मरने की ज़रूर है, यहाँ पर भी कुछ फिश मरी हैं, तो जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म उनके ही जो पानी में ब्रीद करते हैं, फिश के मरने की आशंका ही रहेगी और कुछ नहीं हो। सर, अमृतसर गुरसेवक के नाल नविंदर पाल सिंह चमक की रिपोर्ट, चैनल 2।